इंडियंस के लिए 1000 रुपीज़ है परमिट का चार्ज, उसके बिना ये अलाउ नहीं करते आगे जाना। तो नेपाल का ये है कि मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है क्लियरेंस होने में। और यहाँ पे नेपाल में वैसे मैगी नहीं बोलते, इसे चाव चाव बोलते हैं। और ये मैगी सूप हम ट्राई। सो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेपाल सीरीज के थर्ड डे में। आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, क्योंकि पोखरा से और एल्टीट्यूड में जाऊँगा मैं, और मुक्तिनाथ जा रहा हूँ मैं। और यहाँ का मैंने पे कर दिया था 1100 पड़ा मुझे मील, 1100-1150 मील के बाद यहाँ पोखरा में मैं रुका हुआ था। और अब यहीं के जहाँ मेरा होटल था उसके पास में ही है बस स्टैंड, जहाँ से मुझे मुक्तिनाथ के लिए मिलेगी। 6 बजे ना अभी, तो 6 बजे ही निकल गया मैं, और मैं कोई रिस्क नहीं चाहता क्योंकि 7 बजे तक मिलती है मुक्तिनाथ के लिए। तो देखते हैं कैसे रहते हैं मुक्तिनाथ की जर्नी। रेनकोट मैंने पहन लिया, पोखरा में आज बारिश हो गई और काठमांडू में थोड़ा धूप थी, पोखरा में थोड़ा कम है वेदर, ठंड है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू काठमांडू। चलते हैं। चौक से मुझे बस मिल गई थी और ये बस मुझे यहाँ ले आई बस अड्डे में। ये पोखरा का बस अड्डा है और यहाँ पे 1400 लिए मेरे, 1400 में ये जेमसन पहुँचा रहे हैं। और फिर वहाँ से 22 किलोमीटर है मुक्तिनाथ, तो वहाँ रास्ते में परमिट भी बनाना पड़ेगा, उसके अलग पैसे लगेंगे। देखते हैं, परेशानियाँ बहुत सारी आने वाली है। आज मैंने रेनकोट पहन लिया अपना, ये विंड शीटर और रेनकोट दोनों का काम करेगा, ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं, सफ़र पे बने रहिएगा, सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला है। आज पोखरा में बारिश होगी, ये पूरा बस स्टैंड है पूरा यहाँ का पोखरा का। यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस था, मैंने उसे बोला यार कि थोड़ा सही कर दे, बट उसने इतना ही दिया लास्ट मुझे 1400। तो देखते हैं, लेट्स गो गाइस। सो पोखरा में बारिश होगी दोस्तों। तो दोस्तों, बस ख़राब हो गई हमारी, जो हमारी बस थी। एक मिनट, इसमें नॉइस कैंसिलेशन का बटन है। तो हमारी जो बस थी वो ख़राब हो गई है, अब हम बस चेंज कर रहे हैं। तो बस चेंज हो रही है अब, ये वाली बस थी, इसमें बैठा था मैं पोखरा से मुक्तिनाथ के। अभी ये बस है जिसमें हमें जाना है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे लाइन स्लाइड हो रही है अभी, यहाँ पे हमारी बस रुक रखी है अभी थोड़ी। तो देखते हैं यार, ये पता नहीं कब होगा रास्ता साफ, तब हम निकल पाएंगे, क्योंकि अभी तो ये पूरी लैंड स्लाइड हो ही रही है। देखते हैं क्या होता है। तो नेपाल का ये है कि मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है क्लियरेंस होने में। गाड़ी है यहाँ पे, बट लगेगा अभी उसमें टाइम थोड़ा, पूरा अभी पीछे है मेरे ख्याल से गाड़ी क्लियरेंस वाली। तो दोस्तों, फाइनली हम एक जगह पे रोकी है भैया ने, यहाँ पे हमारा लंच हो रहा है। और ये जगह है, जगह दिखाता हूँ, काफ़ी रूरल जगह है, काफ़ी आउटबीट है। यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी है और ये नॉर्दर्न नेपाल है, नॉर्दर्न नेपाल। सो यहाँ पे ये छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पे ये होटल टाइप के हैं, काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे अभी मैंने मैगी ऑर्डर की है, तो मैगी आएगी अभी। तो ये है,
दिस इज द प्लेस। ये है हमारी बस जहाँ खड़ी है, वहाँ पे एक डॉग है और एक दुकान ये भी है पीछे, और वो बस भी सीधा वहीं जा रही है मुक्तिनाथ जेम्सन। सो मैगी टेस्ट करते हैं, अभी मैगी बन रही है मेरी। सो हमारी मैगी सूप आ चुकी है दोस्तों, और यहाँ पे नेपाल में इसे मैगी नहीं बोलते, इसे चाव चाव बोलते हैं, और ये मैगी सूप हम ट्राई करेंगे। सो अभी मैंने सिर्फ मैगी ऑर्डर करी और खाना मैं ऊपर ही खाऊंगा जाके जेम्सन और उससे आगे जाके, और इसलिए अभी मैंने मैगी ऑर्डर करी और उसके बाद चिप्स उप्स लूँगा अपने लिए कुछ, उसके बाद चलेंगे हम आगे। अगर पहाड़ आए और मैगी नहीं खाई तो फिर वो तो अधूरा है दोस्तों। जब भी आप मस्तांग आएंगे तो आपको परमिट चाहिए होगा, और ये है मेरा परमिट। ये आता है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट, तो इंडियंस के लिए 1000 रुपीज़ है परमिट का चार्ज, उसके बिना ये अलाउ नहीं करते आगे जाना, तो परमिट ले चुका है मैंने। ये है कुछ यहाँ पे चेक पॉइंट, यहाँ का अंदर फॉर्म फिलअप करना होता है, एक आईडी देखेंगे आपकी। और यहाँ आते ही वेदर टेम्परेचर बहुत कम हो, टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, और ये पूरी गाइड चीज़ के बारे में दिखा हुआ है। एक्चुअली जो वो एरिया है वो पूरा कंजर्वेशन एरिया के अंदर आता है, बायोडाइवर्सिटी और एंड ऑल, तो टूरिस्ट के लिए तो और ज़्यादा है परमिट का चार्ज। हम इंडियन है तो इंडियन के लिए 1000 रुपीज़ है। सो चलते हैं आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं। मुक्तिनाथ हे नारायण, आ रहा हूँ मैं आपके दर्शन करने। चलते हैं दोस्तों। फाइनली मैं पहुंच गया हूं जेम्सन, और हमारी बस 8 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, अभी 7 बज रहे हैं, हम जेम्सन पहुंच गए। तो आज हमारा स्टे यहीं पे होगा, और कल हम जाएंगे सुबह 5 बजे मुक्तिनाथ दर्शन करने, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विष्णु टेंपल दोस्तों, वर्ल्ड का हाईएस्ट विष्णु टेंपल, और वर्ल्ड का हाईएस्ट विष्णु टेंपल तो है ही, साथ में वो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट टेंपल भी है, वन ऑफ द हाईएस्ट टेंपल भी है। सो ये नॉर्दर्न नेपाल है, ये मस्तांग है दोस्तों, यहाँ पे हम रुके हुए हैं। दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव स्टे, वेयर वी आर स्टेइंग। यहाँ होटल है, सीजन टाइम पे यहाँ काफ़ी भरा रहता है। तो यहाँ पे मेरे साथ एक अंकल है, उन्होंने और मैंने शेयरिंग पे लिया एक रूम, वो रूम दिखाता हूँ। तो हमें जो रूम पड़ा वो 1000 रुपीज़ का पड़ा, 500 वो देंगे, 500 मैं दूंगा, बाकी थाली का खाने का चार्ज दिन रात का उसका 400 रुपये बोल रहे हैं। तो बिना लहसुन प्याज वाला खाना होगा, क्योंकि सब लोग यहाँ से बिना उसके खा के ही, बिना लहसुन प्याज वाला खाना खा के ही जाते हैं दर्शन करने। तो रूम दिखा देता हूँ एक तो मैं आप लोगों को सबको। तो ये है वो जगह जहाँ हम रुके हैं, होटल माउंटेन व्यू। ये रिसेप्शन, सो ये है हमारा रूम आज का, ये मेरा बेड, और ये वो मेरे साथ एक अंकल आए हैं, बिहार के हैं वो, बूढ़े बुजुर्ग अंकल, वो रुकेंगे। ये वॉशरूम हो गया तुम्हारा, पानी पूनी है यहाँ पे। सो दोस्तों ये इस वक्त मैं मुस्तांग में हूँ, और ये नॉर्दर्न नेपाल का पार्ट है, नॉर्दर्न नेपाल में आता है मुस्तांग, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है नेपाल का, और इसके बाद सीधा आपका तिब्बत चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। और बस आज खाना का 400 बोल रहे हो थाली का,
मेरे साथ एक बुजुर्ग अंकल है, मेरी बस में थे, वो बिहार से आए हैं, वो काफ़ी सिंपल है, परमिट का उनको 1000 लिया, हमसे भी 1000 लिया, बट वो बहुत सिंपल है, देखते हैं उनकी हेल्प करता हूँ उनसे, क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा, देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे पैसे भी निकालने हैं एटीएम से। सो दोस्तों, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, अब खाना खाते हैं, हमारा खाना लग चुका है, 400 रुपये है भाई इसके प्राइस थाली का, ये देख लो, तो 400 वाली थाली दिखा देता हूँ मैं आपको, बट काफ़ी ऊपर है तो क्या वो कर सकते हैं, वर्थ इट है। सो 400 आप राइस भी ले सकते हो, इसमें 3-4 सब्जी है, दाल है, रोटी है, गर्ज तो 7 बजे अंदर से निकलना है, ठीक है। खाना खाते हैं और आज का व्लॉग मैं लास्ट यहीं पे एंड करूँगा, आप लोग का 5 बजे रेडी होता है, कल हम जाएंगे मुक्तिनाथ सुबह 4-5 बजे, वहाँ से मुक्तिनाथ से हम 12 बजे निकलना है, आप लोग का बहुत टाइम होगा क्योंकि थोड़ा 1 घंटे इधर एक आग बिन्नी जो है ना साफ करता है। मुक्तिनाथ का व्लॉग अलग से आएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, पीस ऑलवेज।